हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम क्या करेंगे, ग्रुप डी में जो 2022 में अब तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंसुरेशन से या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये मिले जुले क्वेश्चन हम यहाँ पे बेसिकली देखने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया है इस बार 77 सेंटीमीटर लंबाई और 50 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है यहाँ पर कि आपको फार्मूला इसमें पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ों में क्या है, जब तक आपको फार्मूला नहीं पता होगा तब तक आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो है क्या यहाँ पर कि आयत है, आयत का जो क्षेत्रफल है वो किसके क्षेत्रफल के बराबर दिया हुआ है, वृत्त के क्षेत्रफल के। ठीक है, एरिया किसका, आयत का एरिया, और किसके बराबर है ये, इस ये जो सर्कल दिया है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दी हुई है 77, ये लंबाई दे दी और चौड़ाई दी है 50 सेंटीमीटर। पाई का मान हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे 22/7 रख सकते हैं, तो 22/7 क्या हो गया, 7 हो गया, और ये आर स्क्वायर। ठीक है, अगर 22/7 को इधर हम भेजते हैं तो ये क्या हो जाता है, 7/22 हो जाता है। क्या होता है, 7/22, और ये आर स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो आर अगर आप चाहो तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, ये कैसे हो गया, ये 11 दो बार में जाएगा, ये 7 बार में जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 कितनी बार में, 25 बार में, यानी कि 7 × 7 = 49 हो गया, 49 × में क्या हो गया, 25, और ये क्या हो गया, आर स्क्वायर के बराबर हो गया। अगर आप चाहो तो अंडर रूट में निकाल सकते हो, आर इज इक्वल टू क्या होगा, 7 × 5 क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर, ये रेडियस की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर पूछ रहा है परिमाप बताइए, तो जो वृत्त होता है, वृत्त का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, परिमाप जो होता है किसका, परिमाप वृत्त का, वो क्या हो जाएगा, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr होता है। तो 2π का मान 22/7 रखना है आपको, और r का मान कितना है, 7 × 5। ठीक है, 7 × 5, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, 44 × 5। ठीक है, ये 20 हो गया, 5 × 2 = 22। ठीक है, 220 सेंटीमीटर। ठीक है, 220 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इस वृत्त का परिमाप निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या पता चला यहाँ पर कि यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई हैं वो हमें आर रेडियस निकालने के लिए दी हैं। रेडियस हमारे पास अगर निकल के आ जाता है तो हम वृत्त का परिमाप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है कुछ। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि गोला और वृत्त। ठीक है, यहाँ पर गोला दिया है, गोला हमेशा याद रखिएगा, जो स्फेयर होता है स्फेयर को हम गोला कहते हैं। ठीक है, वृत्त जो होता है वो सर्कल होता है, सर्कल 2D होता है, गोला 3D होता है। गोले की बात की जा रही है यहाँ पर, और कह रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 4πr² होता है। ठीक है, तो 4π का मान हमेशा आप क्या रखोगे, 22/7 रखोगे। रेडियस यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर। क्या दिया है, डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि रेडियस या फिर त्रिज्या आप क्या करोगे, डायमीटर बटे में 2, यानी कि 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या निकल के आ जाएगी। तो 7 × 7, 7 से 7 कट गया, ये क्या हो गया, 88 × 7। ठीक है, 7×8 = 56 हो गया, और 56 और 5 कितना हो गया, यहाँ पर 61। ठीक है, 616, और यहाँ पर ये जो एरिया निकल के आता है वो हमेशा स्क्वायर में निकल के आता है। यहाँ पर यूनिट देखिए क्या है, यूनिट है सेंटीमीटर, यानी कि एरिया जो निकल के आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, यूनिट का भी एक बार ध्यान रखना आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन घनाभ से रिलेटेड है। इसमें कह रहा है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 5, 10, 15 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है इसका, घनाभ का, 2 × LB + BH + HL। अब यहाँ पर देखिए लंबाई क्या दी हुई है, लंबाई दी है 5 और चौड़ाई दी है 10, और ये ऊंचाई जो है 15 दी है। क्या दिया है, 5, 10 और 15 दिया हुआ है। तो यहाँ पर LB कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, BH कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, HL कितना हो जाएगा, 15×75 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 × में क्या हो जाएगा, 200 और 275। ठीक है, 275, 2×5 = 10, 2×10 = 14, 1×15, और यहाँ पर 550 क्या है, एरिया निकाला है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यूनिट इसका सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी 550 सेंटीमीटर² ये जो होगा, जो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, घनाभ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रायंगल से रिलेटेड है अगला क्वेश्चन।
ये सारे क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। ट्रायंगल है, उसमें तीनों कोणों का अनुपात कितना दिया है? 5:3:4 दिया है, 5:3:4 दिया है, ये कोणों का अनुपात दिया है। अब कह रहा है सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। अब कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी त्रिभुज है, तो आपको अच्छे से पता है इसमें कि तीनों कोणों का जो योग होता है, तीनों जो अंतः कोण होते हैं उनका योग जो होता है वो 180 होता है। यानी कि मैं कहूँ कि एक क्या है 5x है एक एंगल, दूसरा क्या है 3x है और तीसरा क्या है 4x है, तो तीनों का जो समेशन होगा वो किसके बराबर होगा? 180 अंश के बराबर होगा। तो ये क्या है, प्लस लगाओ और ये कितना हो गया, 180 अंश हो गया, ठीक है। 5×3=8 और 4=12x हो जाएगा, 12x बराबर क्या हो जाएगा 180, यहाँ पे 6×12 और यहाँ पे 30, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 15, ठीक है। x बराबर 15 आ गया, सबसे छोटा एंगल पूछ रहा है, इन तीनों में सबसे छोटा क्या है 3 है, यानी कि 3x का मान पूछ रहा है। अगर पूछता सबसे बड़ा एंगल क्या है 5x हो जाता, ठीक है, 5 में x का मल्टीप्लाई कर देते तो बड़ा एंगल निकल जाता। सबसे बीच वाले एंगल का क्या मान है तो 4×x कर देते। तीनों एंगल का समेशन कितना होता है 180। अगर आप पूछ ले यहाँ पर कि दो एंगल का छोटे और बड़े एंगल का समेशन कितना होगा, तो भी आप निकाल सकते हो, 3x+5x करके निकाल सकते हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है एक चीज से निकाल आप सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, x 15 हो गया, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा 3x, यानी कि 3×15 ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। सबसे छोटा जो एंगल होगा वो क्या होगा 45 अंश का होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो सवाल है बेलन पे है, बेलन के बात कर रहा है। यदि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2πr r + h, ठीक है, या h+r कुछ भी कह सकते हो आप। तो अब बेलन की बात कर रहा है, 2π का मान हमेशा आपको क्या रखना है 22/7 रखना है। रेडियस यहाँ पे दी है 7 सेंटीमीटर, फिर से यहाँ पे 7 हो जाएगा और ऊंचाई जो है वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हुआ 44 और यहाँ पर ये 15, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ये 0 और ये 60 और ये 66, ठीक है। 660 यूनिट किस में है, यूनिट जो है सेंटीमीटर में है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 660 cm², ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आप कह सकते हो, ये सारी चीज़ें निकल गई। तो मेन क्या है यहाँ पे, आप देख सकते हो कि फार्मूला ही लगाना है, फार्मूला जो चीज़ें दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगाना है और जो चीज़ें पूछी गई हैं उसको निकाल देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम चतुर्भुज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई जो है दी हुई है 6 cm, 8 cm, उसका परिमाप पूछ रहा है, ठीक है। 6 cm और 8 cm सम चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दी गई है। सम चतुर्भुज अगर आप याद करो तो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, इस तरीके से बनता है। साइड्स जो होती हैं इसकी बराबर होती हैं, अगर एक साइड ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। विकर्ण जो होते हैं, एक विकर्ण क्या है ये 8 cm मान लेते हैं, ये विकर्ण है। दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है 6 cm है, क्या है 6 cm है। अगर मैं कहूँ सिर्फ ये हाफ कर लो, हाफ कर लो तो 6 cm का आधा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर मैं कहूँ ये 8 cm टोटल विकर्ण की लंबाई है तो इसकी क्या हो जाएगी आधी 4 हो जाएगी, ठीक है, ये आधी 3 हो गई, ये 4 हो गई। अब एक यहाँ पे खास बात क्या आपको ध्यान रखनी है, आपको पता भी होगा कि ये जो विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं वो 90 अंश का कोण बनाते हैं, तो ये जब भी बनाएंगे तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो अगर आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे अगर मैं ऐसे इस तरीके से करूँ कि ये आपके पास 4 है, ये आपके पास 3 है, यहाँ पे 90 अंश का कोण है, तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो? भाई समकोण त्रिभुज होता है तभी तो पाइथागोरस थ्योरम लगता है, ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, यहाँ पे 5 आ गया। ये जो 5 वैल्यू निकल के आई है वो क्या है, साइड की लंबाई आई है, भुजा की लंबाई आई है। अब आप यहाँ पे आराम से क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे क्या पूछा है, परिमाप यानी कि पेरीमीटर, जो पेरीमीटर होता है वो क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, a a a a 4a हो जाएगा, तो 4×a, a की वैल्यू क्या है 5 है, तो क्या हो जाएगा 20 cm, ठीक है। पेरीमीटर क्या होगा 20 cm निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ पर एरिया पूछा होता, एरिया पूछा होता और विकर्ण की लंबाई दी होती तो क्या होता, हाफ d1×d2, ये क्या हो जाता है, एरिया की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो सम चतुर्भुज में एक चीज़ आप याद रखना कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि दोनों विकर्ण जब एक दूसरे को काटते हैं तो कितने अंश का कोण बनाते हैं, 90 अंश का कोण बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो भी समचतुर्भुज से रिलेटेड है। PQRS एक समचतुर्भुज है जिसमें कि चारों कोण जो है, PQRS मतलब कोणों का जो अनुपात दिया है वो क्या दिया है, 4:4
5 अनुपात 2 अनुपात 7, ये किसका है, पी क्यू आर एस कोड़ों का अनुपात दिया हुआ है, 3P+2R पूछ रहा है, 3P+2R की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले P और R की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि एंगल P कितना है, एंगल R कितना है। समचतुर्भुज की बात करें तो यहाँ पर जो कोड़ों का जो आंतरिक कोण होते हैं उनका जो समेशन होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है, कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यानी कि मैं कहूँ कि 4x + 5x + 2x + 7x कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 360 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 4 9 हो गया और 2 11 और 7 कितना हो गया, 18x से बराबर हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा। यानी x का मान कितना हो जाएगा, 360/18, ठीक है, ये हो गया 20। x का मान कितना आ गया, 20 निकल के आ गया, ठीक है, ये 4x हो गया, 5x, 2x, 7x, एंगल P 4x है, Q 5x है, R 2x है और S जो है वो 7x है। अब P कितना है, P है 4x, यानी कि मैं कहूँ यहाँ पे 4x लिखा जा सकता है P की जगह। R कितना है, R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं। अब x की अगर हमें वैल्यू पता है तो हम आराम से ये चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो x कितना है, 20 है, x कितना है, x है 20 है 3 और यहाँ पे ये हो जाएगा 80+2 या फिर आपके हाँ 2 × यहाँ पे 40, ये कितना हो जाएगा, 240 प्लस यहाँ पे 80 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 320, ठीक है, ये कितना निकल के आ जाएगा, 320 निकल के आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्या है, समचतुर्भुज पे बेस्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इससे क्या होगा, कुछ बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए ज़रा, किसी समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर तथा विकर्ण 10 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, इस तरीके से बना हुआ है। अब यहाँ पे कह रहा है परिमाप जो है वो क्या है, 52 मीटर है। परिमाप यानी कि 4a जो है वो 52 मीटर दिया हुआ है, यानी कि इससे हम क्या कर सकते हैं, भुजा निकाल सकते हैं, साइड निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 52/4 और ये हो जाएगा 13। तो भुजा जो होगी, जो साइड होगी, वो कितनी हो गई, 13 मीटर में दी है, 13 मीटर हो गई। तो ये क्या हो गया, 13, ये 13, ये भी 13 हो गया, ये भी 13 हो गया। अब कह रहा है एक विकर्ण 10 मीटर है, क्षेत्रफल क्या होगा। एक विकर्ण मान लिया हमने, ये क्या है, टोटल 10 है। अगर मैं कहूँ कि दूसरा विकर्ण अगर हमें निकालना है तो क्या हम निकाल सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर ये 10 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। दो विकर्ण जब काटते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। हमारे पास यहाँ पे भुजा दी है, एक साइड ये दी है, क्या हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक और भुजा निकाल सकते हैं, यानी कि आधा विकर्ण हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप, यहाँ पर अगर आप देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो 13 है और ये 5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि जो सेकंड डायमीटर है वो कितनी हो जाएगी, 12 × 24 हो जाएगी, 24 मीटर हो जाएगी, और पहली जो डायमीटर थी वो 10 मीटर हमारे पास गिवन थी। अब यहाँ पर एरिया कैसे निकालोगे, क्षेत्रफल हाफ d1 × d2, तो हाफ d1 कितना है, d1 है आपका 10 मीटर और d2 कितना है, 24 मीटर है, ठीक है। तो ये कितनी बार में गया, 12 बार में और 120 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 120 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा, ठीक है, 120 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे, अच्छे क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।